ओम शांति। आज हम बाप दादा के 13 जनवरी 1983 को अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। मुरली का विषय है स्वदर्शन चक्रधारी ही चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी। बाबा ने बोला, सभी अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो? स्वदर्शन चक्रधारी ही भविष्य में चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं। अब दुनिया में तो सुदर्शन चक्र को एक ऐसा शस्त्र मानते हैं जो कि गीता के भगवान, जिनको उन्होंने साकार देवता श्री रूप श्री कृष्ण मान लिया है, उनके हाथ में दिखाया जाता है। या फिर यही चक्र विष्णु के जो चार अलंकार हैं, शंख चक्र गदा पद्म, उसमें एक ये चक्र दिखाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि एक ऐसा दिव्य शस्त्र था जिसको यदि प्रयोग किया जाए तो शत्रु का गला कट जाता था और ये चक्र फिर वापस भगवान की उंगली पर आ जाता था, ऐसा माना जाता है। यद्यपि गीता में इस चक्र के प्रयोग को नहीं बताया गया है, महाभारत में भी ऐसी कई दिखाए गए हैं कथा के रूप में जहाँ इसको यूज़ करने की नौबत आ गई, लेकिन यूज़ नहीं हुआ। परंतु परमात्मा शिव जो हमें ये ज्ञान सुना रहे हैं, व्यक्त बाप दादा, उन्होंने बताया है कि वास्तव में तो देवताओं और देवियों को जितने भी ये शस्त्र इत्यादि दिखाए गए हैं, वैसे तो इनका नाम ही दिव्य शस्त्र कहा गया है, परंतु ये कोई हिंसा करने के शस्त्र नहीं थे। ये प्रतीकात्मक हैं कि आत्माओं को लिबरेट यानी मुक्त करने के लिए जो आत्माओं ने प्रयास किया, जिसके द्वारा माया या पांच विकारों पर जीत पहनाई, जिसमें आता है काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, और प्रकृति के पांच तत्व जिनका शरीर बना हुआ है, जिनके इंद्रियां अधीन हो जाती हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। तो भगवान ने बताया है कि अगर सचमुच हम स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, अर्थात अपने आत्मा के सारे सृष्टि चक्र में जितने भी जन्म हुए हैं सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक, उसका चक्कर घुमाते रहेंगे मन में कि सतयुग में हम क्या थे, ऊंचे से ऊंचे थे, परमात्मा ने हमें पावन बनाया और सूर्यवंशी बनाया, फिर घूमते घूमते अनेक जन्म लेते हुए हम कलयुग के अंत में आ गए, अब आत्माएं पूर्णता पतित बन गई हैं, दुखी बन गई हैं। तो इसको याद करने से मनुष्य को अपने सर्वश्रेष्ठ रूप की स्मृति आती है, और आज हम क्या बन गए इसकी स्मृति आती है, उसको गैप को पूरा करने में ये मदद करता है। तो अगर सतयुग के सिंहासन का, जिसको बाबा ने कहा चक्रवर्ती राजा बनने का पद प्राप्त करना है, तो लगातार हम अपने सुदर्शन चक्र को घुमाते रहें, अर्थात अपने जन्मों के ऊपर मनन और चिंतन करते रहें। अब ये जो स्वराज्य के लिए चक्रवर्ती कहा गया, यहाँ भी चक्कर है वहाँ भी चक्कर है, उसका अर्थ ये होता है कि भारत के अंदर चक्रवर्ती राजाओं का वर्णन आता है, वो राजा जो सारी दुनिया पर राज करते थे, उसकी भी लंबी कहानी है, कहते हैं घोड़ा दौड़ाते थे इत्यादि, लेकिन सार उसका यह है कि सारे विश्व का महाराजन जो केवल सतयुग में ही होते हैं, उस बनने के लिए लगातार हमें ये सुदर्शन चक्र घुमाना। बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात अपने सारे चक्र के अंदर सर्व भिन्न भिन्न पार्ट को जानने वाले, यानी स्वदर्शन चक्रधारी को अपने सारे पार्ट
पूरे सृष्टि चक्र में भिन्न भिन्न युगों में क्या उसने निभाए हैं वो स्मृति में रहेगा। क्योंकि प्रायः हर व्यक्ति अपने इस जन्म के ही स्मृति में रहता है, इस जन्म में मैं कौन सा पाठ बजा रहा हूँ, इस जन्म का शरीर, इस जन्म के शरीर के संबंध, इस जन्म का पोजीशन पद, उसको ही ध्यान में रखता है। तो इसका अर्थ होता है कि वो लिमिटेड बुद्धि हो जाता है और केवल इस जन्म के बारे में ही सोचता है और इसी के अंत तक का प्रोग्राम बनाता है। उसके सारे जीवन का जो प्रोग्राम बनता है कि मैंने इतने वर्ष तक जीना है और मुझे ये करना है, लेकिन जो ही वो रूह के रूप में वो देखता है तो उसको क्या याद आता है कि मेरा ये जन्म तो नहीं है, इससे पहले भी मेरे अनेक जन्म हुए हैं और इसके बाद भी मेरे अनेक जन्म होंगे। गीता के भगवान ने कहा हुआ चौथे अध्याय में कि तेरे अनेक जन्म हुए हैं जिसको मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। तो वही बात परमात्मा हमको बता रहे हैं। अगर हमें ये याद रहता कि हम किस चोटी पर थे, कितने श्रेष्ठ थे और कितने कल्याणकारी थे, तो हमारे फिर ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो संस्कार जागता है कि हम पुनः उस अपने पद को धारण करें। बाबा ने कहा सभी ने ये विशेष बात जान ली कि हम सब इस चक्र के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। इस अंतिम जन्म में हीरे तुल्य जीवन बनाने से सारे कल्प के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाले बन जाते हैं। अब देखिए, कोई भी नाटक होता है उसमें अनेक पात्र होते हैं, किसी का छोटा पार्ट होता है, किसी का बड़ा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हीरो का होता है, क्योंकि उसके पार्ट पर ही सारा नाटक जो है चलता है। तो भगवान कहते हैं कि जो इस सुदर्शन चक्र को जान लेते हैं वही हीरो पार्टधारी बनते हैं, क्योंकि हीरो के पार्ट की एक विशेषता होती है कि वो शुरू से लेकर, नाटक से शुरू से लेकर और अंत तक चलता है, सारा नाटक ही उस पर निर्भर करता है। तो जो आत्माएं सुदर्शन चक्र को घुमाती हैं, अपने अंदर मनन चिंतन करती हैं, उसका अर्थ मुख्य ये निकलता है कि शुरू, जब से नाटक शुरू होता है तभी वो इस दुनिया में अवतरित हो जाती हैं और अपना पार्ट बजाती बजाती अंत तक यहाँ पहुँची है। वरना आप देखेंगे सारे ही एक्टर जो नाटक में होते हैं वो शुरू में नहीं आ जाते, और ये भी आपने नोट किया होगा कि अंत तक सारे आ जाते हैं। कोई भी नाटक दिखाया जाता है उसके अंत में आप देखेंगे कि सभी एक्टर्स को स्टेज पर खड़ा कर देते हैं, जिस जिसने जो पार्ट बजाया होता है, तो जो देखने वाले होते हैं वो सारा नाटक उनकी स्मृति में आ जाता है, हाँ इसने ये पार्ट बजाया था, उसके भी सेंटर में हीरो पार्टधारी को रखा जाता है। तो बाबा ने कहा आदि से अंत तक क्या क्या जन्म लिए हैं सब स्मृति में है, क्योंकि इस समय नॉलेजफुल बनते हो, इस समय ही अपने सभी जन्मों को जान सकते हो, तो 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जान लिया। अब देखिए बाबा कहते हैं कि हमें क्योंकि ये ज्ञान मिल गया कि चार युग हैं, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, उसके बाद एक छोटा सा सतयुग और कलयुग को ज्वाइन करने वाला युग है। तो मनुष्य जो है इस ज्ञान को जो नहीं जानते वो क्या समझते हैं, सतयुग में भी वही कुछ होता है जो कलयुग में होता है, सतयुग में ज़रा ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं और बुरे कम होते हैं, इसलिए उन्होंने आप देखेंगे सतयुग में भी हिरण्याक्ष इत्यादि आती दैत दिखा दिए, त्रेता में राम के साथ रावण दिखा दिया। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, मैंने आपको जो ज्ञान दिया है आपकी अवस्थाओं का, सतयुग में सभी सतयुगी होते हैं, सभी के जन्म सतोगुणी होते हैं, द्वापर में आके सभी रजोगुणी हो जाते हैं और कलयुग के अंत में तमोगुणी हो जाते हैं। तो इससे हमारे को कितना स्पष्ट है कि हम का क्या थे और धीरे धीरे कैसे गिरावट आई। तो ये सारी बात इसको सुदर्शन चक्र को समझने से ही बुद्धि में आती है। तो बाबा ने कहा
कोई भी जन्म पत्री बताने वाले अगर किसको सुनाएंगे भी तो दो चार छह जन्म का ही बताएंगे। लेकिन आप सबको बाप दादा ने सभी जन्मों की जन्म पत्री बता दी है। लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं ना तो वर्तमान जन्म की भी बताते हैं, एक विद्या है, और अगले पिछले जन्म का भी बताते हैं, इससे पहले तुम क्या थे, आगे क्या बनोगे। ज़्यादा से ज़्यादा कोई बहुत ही विशेष ज्योतिषी होगा तो दो तीन जन्म का बता देगा, लेकिन सारे चक्कर में जितने जन्म हुए हैं उसकी जन्म पत्री एक्यूरेट वो बाबा कहते हैं मैंने आपको बताई। तो आप सभी मास्टर नॉलेजफुल बन गए ना, यानी मास्टर नॉलेजफुल अर्थात जो अपने सभी जन्मों को जानता हो, सृष्टि के चक्र को जानता हो। मास्टर बेटे को कहते हैं, तो भगवान कहते हैं जैसे मैं परमात्मा परम पिता नॉलेजफुल हूँ, मुझे कहा ही जाता है तीनों कालों को जानने वाला, तीनों लोकों को जानने वाला, नॉलेजफुल है ना, कहा ही जाता है कि भगवान सर्वज्ञ है, आत्मा अल्पज्ञ है। तो अल्पज्ञ को परमात्मा अगर पूरा ज्ञान दे दे तो वो भी मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वज्ञ हो जाते ना, उसके समान हो गए। तो बाबा ने कहा सारा हिसाब चित्रों में भी दिखा दिया है। हाँ, तो बाबा ने कहा ना सिर्फ बता दिया है जबानी, बताया तो दूसरा आदमी को नहीं पता लगेगा, हमको बताया हमको पता लगेगा, उसको चित्रों के रूप में भी दिखा दिया गया है ताकि कोई दूसरा आए उसको भी हम समझा सकें कि ये आपकी भी जन्म पत्री ये है। और वैसे भी जन्म पत्री में काफ़ी कुछ लिखा हुआ और ड्रॉ किया जाता है। तो बाबा ने कहा तो ज़रूर जानते हो, तब तो चित्रों में दिखाया है ना, अपनी जन्म पत्री का चित्र देखा है, उस चित्र को देख करके ऐसा अनुभव करते हो कि ये हमारी जन्म पत्री का चित्र है। बाबा कहते हैं एक होता है कि जन्म पत्री देख कर कोई समझते है दूसरे की जन्म पत्री है, ये विश्व महाराजन की जन्म पत्री है। बाबा कहते हैं आपको मैंने जो दिखाया उससे पता लगता है कि हम ही किसी जन्म में आदि में विश्व महाराजन थे, अब हम अधीन बन गए। बाबा ने कहा वह समझते हो नॉलेज समझाने का चित्र है। बाबा पूछ रहे हैं कॉन्ट्रास्ट, देखकर ये समझते हो कि हमारी जन्म पत्री का चित्र है या समझते हो नॉलेज समझाने का चित्र है। एक होता है दूसरे को ज्ञान देना कि देखो सभी आत्माएं सतयुग में ऐसे थीं, जो भी आई वहाँ त्रेता में ऐसे थी, जैसे किसी को नक्शा समझाया जाता, किसी स्टूडेंट को टीचर भारत का या विश्व का नक्शा दिखाता। एक होता है ये चित्र हमारा है, अनुभव करना कि हम चित्र सामने है लेकिन हम सतयुग में ये थे, हम द्वापर में ये थे, हम कलयुग में ये हैं, तो अनुभव कर रहे हो, अनुभव का चित्र देख रहे हो, दूसरे को दिखा रहे हो, ये ज्ञान समझाने का चित्र होता है कि देवता ऐसे थे। एक होता है देवता ऐसे थे, एक था हम ऐसे थे। ये तो नशा है ना कि हम ही विशेष आत्माएं सृष्टि के आदि से अंत तक का पाठ बजाने वाली है। ब्रह्मा बाप के साथ साथ सृष्टि के आदि पिता और आदि माता के साथ सारे कल्प में भिन्न भिन्न पाठ बजाते आए हो ना। अब देखो बाबा ने कहा हमारा नाम क्या है, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। अब ब्रह्मा जी के लिए कहा जाता है कि सृष्टि की आद में, कल्प के आद में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा, और केवल भारतवासी नहीं अन्य जितने धर्मों के भी लोग हैं वो अपने जो आदि पुरुष है वो ब्रह्मा को ही मानते हैं। हमारा पहला पैगंबर कौन था, तो मुसलमान लोग यही कहते हैं बाबा आदम था, इसी प्रकार से क्रिश्चियन कहते हैं एडम था, तो भारत वाले कहते हैं ब्रह्मा था, कोई और कहते हैं आदिनाथ था, तो जो आदि में हो आदि मैंने शुरू, इसलिए ब्रह्मा को आदि देव भी कहते हैं, सिर्फ देव नहीं कहते आदि। तो उसके साथ जो होगा क्योंकि अकेला ब्रह्मा तो नहीं होगा, ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण भी यज्ञ रचते हैं, तो ब्रह्मा कुमार और कुमारी भी हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा के साथ आदि
शुरू में होने वाले, इसका मतलब हुआ हीरो पाठधारी हो गए। ब्रह्मा बाप के साथ पूरे कल्प की प्रीत की रीत निभाने वाले हो ना, निर्वाण जाने की इच्छा वाले तो नहीं हो ना? हाँ, क्योंकि दो तरह की आत्माएं होती हैं। कईयों से ज़्यादातर पूछोगे तो कहेंगे हमें तो मुक्ति चाहिए, हम तो निर्वाण धाम में जाना चाहते हैं। यहाँ तक कह देते हमें मोक्ष जाना, मोक्ष चाहते हैं, अर्थात कभी जन्म मरण में ही ना आए। तो फिर भगवान ने समझाया है कि मोक्ष अगर होता, कभी जन्म मरण के चक्कर में ना आने का लक्ष्य एक्चुअली प्राप्त कर सकता तो जन्म में होता ही नहीं, क्योंकि वो लक्ष्य ऐसा है जिसमें जन्म ले ही नहीं सकते। तो क्योंकि हम जन्म में बैठे हैं, इसका मतलब है हम मोक्ष में नहीं थे। तो जब मोक्ष में कोई नहीं था, जो चीज़ कभी नहीं थी वो कभी नहीं हो सकती। तो भगवान हमको लॉजिकली समझाते हैं, वो तो नहीं है। बाकी हाँ, मुक्ति ज़रूर है। मुक्ति का अर्थ है कि सारे एक्टर तो किसी भी नाटक के आद में नहीं आ जाते, वृक्ष के सारे पत्ते तो पौधे के रूप में नहीं आ जाते, तो बीच के हिस्से में कई मुक्त रहते हैं। तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि आप जो है मुक्ति की या निर्वाण की इच्छा वाले तो नहीं हो ना? अगर ये इच्छा रखेंगे तो शुरू में नहीं आ सकते। तो जो शुरू में आने वाले हैं उनके अंदर ये इच्छा नहीं पैदा होगी कि हम मुक्ति में जाएं। तो बाबा ने कहा जिसने आदि नहीं देखी उसने क्या किया? देखा ही क्या, किसी ने किसी नाटक को में जाओ, आदि ना कोई देखे, बीच में चला जाए तो उसको तो पता ही नहीं ना पहले क्या था। तो बाबा ये समझा रहे हैं कि ब्रांचेस को ट्री की पूरी हिस्ट्री नहीं पता होती, जो रूट होता है, तना होता है, उसको होती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि आप लोग तना हो। तो बाबा ने कहा आप सबने कितनी बार सृष्टि के आदि का सुनहरा दृश्य देखा है, वह समय, वह राज्य, वह अपना स्वरूप, वह सर्व संपन्न जीवन अच्छी तरह से याद है, वह याद दिलाने की जरूरत है। हाँ, बाबा कहते हैं आपको बता दिया, अगर आप लगातार सुदर्शन चक्कर घुमाते रहते हो तो आप मान लो अपने ही जीवन कथा को देखते रहते हो या जन्म पत्री को देखते रहते हो। इसलिए जो ये लगातार करेंगे उनको तो अनुभव होगा कि हम तो यही थे, ऐसे ऐसे हुआ, और ख़ास बात यह कि हम फिर वही बनने वाले हैं, क्योंकि एंड और बिगनिंग जुड़ रहे हैं। और जो नहीं हैं उनको याद दिलाना पड़ेगा। मान लो कोई एक युग के बाद आया, सतयुग के बाद आया, त्रेता में आया, है तो वो भी देवता, चंद्रवंशी देवता है। आधा यानी कल्प में चार युग हैं तो कम से कम 1/4 तो वो देवता रहेगा, लेकिन उसको याद दिलाना पड़ेगा और इनको सता याद रहेगा। तो बाबा कहते हैं अपने आदि के जन्म अर्थात पहले जन्म और अब लास्ट के जन्म दोनों के महत्व को अच्छी तरह से जान लिया है ना? क्योंकि महत्व दो चीज़ों का ही है, बीच का नहीं है, एक बिगिनिंग और एक एंड। जिंदगी में भी कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसका फोटो डाल के नीचे क्या लिखते हैं, इस वर्ष से इस वर्ष तक, इस बीच की हिस्ट्री नहीं लिखते। इसी प्रकार से इम्पोर्टेंस यही होती है आदि और अंत की। तो बाबा कहते हैं दोनों के महत्व को जानते हो, क्योंकि अब आदि और अंत का संगम है। एक तरफ पुराने का अंत हो रहा है, दूसरी तरफ नए की आद हो रही है। तो बाबा ने कहा दोनों की महिमा अपरम अपार है। जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते हो। अब देखिए, ब्रह्मा ही श्री कृष्ण है, दुनिया तो नहीं जानती, लेकिन बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण की फर्स्ट आत्मा, श्री कृष्ण को पीपल के पत्ते पर सागर के अंदर आते हुए दिखाया जाता, अर्थात ये सृष्टि रूपी कल्प इसका प्रथम पत्ता है। अच्छा, अब वो भी आदि है, तो आदि देवताओं की आद में श्री कृष्ण है, लेकिन देवता बनने वालों की आद में ब्रह्मा है। तो वही आत्मा जाके वो बनती है, या श्री कृष्ण ही ब्रह्मा थे या ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनेंगे, कितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद तो नाटक ऑटोमेटिक चलेगा। तो बाबा ने कहा कि
जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते हो और दोनों को साथ साथ दिखाते हो, ऐसे ही आप सब भी अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही हैं, तो बहुत नशा और खुशी रहेगी। बनाने वाले और बनने वाले दोनों की विशेषता है। बाप दादा सभी बच्चों के दोनों ही स्वरूप देखकर हर्षित होते, क्योंकि आत्माएं जो हैं उनको एक नेचुरल अभ्यास है अपने वर्तमान रूप को देखने का, और वो आगे पीछे का रूप उनको समझाना पड़ता है। कई आबारी आप देखेंगे कि किसी के जीवन की एल्बम दिखाई जाती है, एक उसका वर्तमान फ़ोटो होता है, एक उसका बच्चे का फ़ोटो होता है, तो खुद देख के हैरान होता है, अच्छा मैं ये था। और अगर किसी का शरीर छूटने पर उसकी फुल एल्बम कोई देखे अप टू डेथ, तो कहेंगे अच्छा ये था, अंत में जाके ये हुआ। ऐसे ही होता है ना। बाबा कहते इसी तरह मैं आपको एल्बम या चित्र दिखाता हूँ तुम्हारे, तो तुमको ये पता लगता है कि हम वो थे, अब हम ये हैं। तो दोनों रूप साथ साथ रखने से वो जॉइनिंग पॉइंट आता है। दुनिया ये तो कह देती है कि सतयुग से दुनिया शुरू हुई, कलयुग में अंत हुई, लेकिन बीच उसके बाद क्या हुआ, शुरू से पहले क्या था और अंत के बाद क्या है, ये नहीं जानते। इसलिए वो कह देते हैं बहुत काल तक प्रलय रही, यानी बिल्कुल ही सागर हो गया, वो बात तो बनती नहीं, क्योंकि आत्माएं अनादि हैं, आत्मा को तो जन्म लेना ही है, सृष्टि चक्र भी अनादि है, तो इसलिए वो चक्र घूमता रहता है। कलयुग के बाद सतयुग, सतयुग के बाद कलयुग आता है, ये बाबा कहते तुम ही जानते हो। तो बाबा ने कहा चाहे नंबर वार हो लेकिन देव आत्मा तो सभी बनेंगे ना। देवताओं को पूज्य श्रेष्ठ महान सभी मानते हैं। हाँ, तो बाबा कहता है सारे देवता एक जैसे तो नहीं हो सकते, जैसे देवलोक कहेंगे तो देवलोक में भी तो नंबर वाइज होंगे ना, विश्व महाराजन होंगे, विश्व महारानी होंगे, फिर उनकी रॉयल फैमिली होगी, उसके बाद उनकी प्रजा होगी, वजीर तो वहाँ होते नहीं, मतलब नंबर वाइज होंगे। अब बाबा कहते हैं कहलाएंगे तो सारे देवता, जैसे हम भारत में रहते हैं तो सारे लोग भारतवासी कहलाते हैं, इसी तरह सतयुग में जो भी होंगे सारे सतयुगी देवता कहलाएंगे। सतयुग में तो देवता के अलावा कुछ होता ही नहीं, त्रेता में आएंगे तो चंद्रवंशी देवता कहलाएंगे। तो देवता तो कहलाए, अब देवताओं की भी एक लास्ट देवता की होगा, उसकी क्वालिफिकेशन है पूज्य होगा। बाबा ने कहा चाहे लास्ट नंबर की देव आत्मा हो फिर भी पूज्य आत्मा की लिस्ट में है। आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त किया और आधा कल्प माननीय और पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने। अब बाबा कहते हैं एक तो वहाँ तो पूज्य शब्द भी नहीं कहने की जरूरत, जब देवता है तो देवता ही है, लेकिन उसके बाद मूर्तियां बन गई तो मूर्तियों की लोग पूजा करते रहे, देवताओं की पूजा करते ना, देवी देवताओं। और जितने भी बने हैं, कोई नेता बने होंगे, कोई महात्मा बने होंगे, कोई साइंटिस्ट बने होंगे, कोई राष्ट्रपति बने हों, उनकी मूर्तियों की पूजा नहीं होती, उनकी मूर्तियां रिस्पेक्ट के तरीके से बनाई जाती हैं, लेकिन मंदिर बनाकर एक पुजारी रखकर उनको रोज़ स्नान कराना, उनको भोग लगाना, उनको सुलाना मूर्तियाँ, ये एक विचित्र और विशेष बात है ना, तो देवी देवताओं की ये होती है। बाबा कहते हो कितने श्रेष्ठ हो गए। बाबा ने कहा जो अपने चित्रों की पूजा मान्यता चैतन्य रूप में ब्राह्मण रूप से देव रूप की अभी भी देख रहे हो तो इससे श्रेष्ठ और कोई हो सकता है? सदा इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहो, फिर बार बार नीचे की स्टेज से ऊपर की स्टेज पर जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति कॉन्शियस हो जाता है कि मेरा ये स्टेटस है, तो उसको भूलता नहीं है, उसकी इच्छा भी नहीं होती
कि किसी की स्टेटस को कोई छीनता है तो उसको कितना दुख होता है। आपको विश्व महाराजन का स्टेटस मिला हुआ है और आप देख रहे हो ये स्टेटस इतना श्रेष्ठ है कि शुरू से लेकर पहले पूज्य रूप में फिर पूजनीय रूप में ये चला आता है और अपनी आँखों से आज भी देख रहे हो। किसी भी मंदिर में जाओगे कितनी भीड़ है, भगत कितना दर्शन करने के लिए धक्का खा रहे हैं, उनको कुछ प्राप्त हो रहा है तो कितना नशा रहना चाहिए कि हमारा ही रूप है। बाबा ने कहा सभी जहाँ से भी आए हैं लेकिन इस समय मधुबन निवासी हैं, तो सभी मधुबन निवासी सहज स्मृति स्वरूप बन गए हो ना। मधुबन निवासी बनना भी भाग्यवान की निशानी है। बाबा कहते दुनिया के कोने कोने से आए, जब आ गए मधुबन में तो मधुबन निवासी हो गए कि नहीं हो गए। तो बाबा कहते हैं मधुबन निवासी भी कोई कोई बनता है, भाग्यशाली बनता है, क्योंकि यहीं आकर के उनका अपना सुदर्शन का ज्ञान मिलता है। बाबा ने कहा क्योंकि मधुबन के गेट में आना और वरदान को सदा के लिए पाना। हाँ, ये गेट ही ऐसा है, इसके अंदर आकर के जैसे गेट वे टू पैराडाइज कहा जाता है, अंदर आते ही उसको सारा वरदान मैंने कि तुम ये थे और ये फिर बनो, ये भगवान आपको दे देता है। और स्थान का भी महत्व है, सभी मधुबन निवासी वरदान स्वरूप में स्थित होना, संपन्नपन की स्टेज अनुभव कर रहे होना, संपन्न स्वरूप तो सदा खुशी में नाचते और बाप के गुण गाते। अब देखो बाबा ने कहा स्थान का भी महत्व है। कोई कहे कि मैं विश्व महाराजन हूँ और जंगलों में किसी कुटिया में रह रहा हो तो कहेगा तुम विश्व महाराजन अपने मन में ही होना, विश्व महाराजन को तो महल में होना चाहिए। इसलिए बाबा कहता है अच्छा जब तक तुम्हें वो विश्व महाराजन की कॉरोनेशन हो कम से कम तुम्हारा आसन या स्थिति तो श्रेष्ठ होनी चाहिए ना। तो वो क्या करते हैं जंगल में जाके आसन लगा लेते हैं। बाबा कहते हैं आसन अवस्था की निशानी है, इतनी ऊंची अवस्था में रहो। तब बाबा कहता है कि स्थान का बहुत महत्व है और जो ही आप मधुबन में एंटर हुए ये गेट ही ऐसा है आपको ये देव पद की प्राप्ति कराने वाला है। बाबा ने कहा संपन्न पन की स्टेज अनुभव कर रहे हो ना, संपन्न स्वरूप तो सदा खुशी में नाचते और बाप के गुण गाते। अब देखिए किसी भी चीज में संपन्नता आ जाए उसके बाद खुशी होती है, जब तक उस संपन्नता को प्राप्त करते रहते हैं तो थोड़ा पुरुषार्थ थोड़ी मेहनत नज़र आती है। मान लीजिए कोई पढ़ाई पढ़ता है, डॉक्टर बनने की पढ़ाई पढ़ता है, अच्छा वो पहले छोटा पढ़ाई पढ़ता है फिर धीरे धीरे बढ़ता है फिर MBBS बनता है फिर MD बनता है, जहाँ तक उसको पढ़ना होता है उसके बाद जब वो संपन्न हो जाता है अपनी पढ़ाई में तो खुश हो जाता है, पढ़ाई छूट जाती है अब उसकी प्राप्ति मिल जाती है, उसके बाद उसका जीवन चेंज होता है। तो जिस दिन उसको फाइनल डिग्री मिलती है उसके मन में कितनी खुशी होती है। ऐसे ही कोई व्यक्ति इलेक्शन लड़ता है, पहले कैंडिडेट बनता है, टिकट मिलता है उसको, फिर करता रहता है, जिस दिन उसका नतीजा आ जाता है कि अब तुम जीत गए, उस दिन उसको कितनी सारा भविष्य उसको उज्जवल दिखाई देता है। इसी प्रकार से एक फल है, फल जब छोटा है पहले छोटा होता है बीज होता है धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब वो पूरी अपनी रौनक पे आ जाता है पक जाता है उसका रंग रूप दिखता है तो उस वक्त वो बिल्कुल फाइनल फ्रूशन स्टेज इसको कहा जाता है, तो वो फ्रूशन स्टेज खुशी दिलाने वाली है। ऐसे खुशी में नाचते रहो जो आपको देखकर और भी स्वतः खुशी में मन नाचते। अब देखिए संपन्न को देखकर हर एक व्यक्ति खुश होता है। अब चांद को ही ले लें, चांद तो रोज आकाश में होता है लेकिन जिस दिन चांद पूरा फुल मून होता है उस दिन आप देखिए रात को कोई भी व्यक्ति जा रहा होगा उसकी ना चाहते हुए भी नज़र चांद पर जाएगी और उसके मन में ज़रा सी खुशी पैदा होगी, अरे आज देखो पूरा चांद है। ऐसे ही आप फलों के बगीचे से गुजर रहे हों, पहले कच्चे फल लगे हुए हैं ठीक है,
लेकिन जिस दिन वो पककर लाल होकर रंग बिरंगे होकर टंगे होते हैं, ना चाहते हुए व्यक्ति का ध्यान उस तरफ जाएगा, क्योंकि संपन्नता की स्टेज है। तब भगवान कहता है कि ये संपन्नता की स्टेज दूसरों को भी खुशी देती है। बाबा ने कहा ऐसी खुशी में नाचते रहो जो आपको देखकर औरों का भी स्वतः खुशी में मन नाचे। जैसे स्थूल डांस को देख दूसरों के अंदर भी नाचने का उमंग उत्पन्न हो जाता है ना। डांस को देख करके जो ऑडियंस बैठा होता है उसमें छोटे बच्चे भी होते हैं, ओल्ड एज के लोग भी होते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं तो उनके अंदर भी उमंग आ जाता है। आप देखेंगे कईयों के पैर हिलने लग जाएंगे, कोई हाथ को टपकाने लग जाएंगे, खुशी आ जाती। तो सदा ऐसे नाचो और गाते रहो। अच्छा, डबल विदेशी बच्चों को ये भी विशेष चांस है क्योंकि अभी सिखी लदे हो। जब डबल विदेशियों की भी संख्या बहुत हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे? जैसे भारतवासी बच्चों ने डबल विदेशियों को चांस दिया है ना, तो आप भी ऐसे दूसरों को चांस देंगे ना? बाबा के इस वक्त 83 में विदेशों से जो बाबा के बच्चे आते हैं उनकी संख्या थोड़ी होती, लेकिन भारतवासियों की संख्या तो बहुत थी। तो बाबा भारतवासी जो थे, जब वो मधुबन में जाते हैं तो डबल विदेशी बहुत अच्छे लगते हैं कि देखो हमारे परिवार में ये विदेशी भी आए हैं, तो उनको आगे आगे चांस देते हैं कि हम तो बाबा से मिलते रहते हैं, आप आगे बैठ के मिलो। तो बाबा उनको एड्रेस कर रहे हैं कि इस वक्त जो है तुम 83 में तुम जो सिक्की लदे हो, सिक्की लदे का मतलब होता है जो बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत देर के बाद मिलता है, तरस तरस कर मिलता है। तो बाबा कहते हैं इस वक्त तुम भारतवासियों की भेंट में सिक्की लदे हो, क्योंकि तुम थोड़े हो तो तुमको भारतवासियों ने आगे बैठने का चांस दिया, लेकिन जब तुम्हारी भी संख्या बढ़ जाएगी फिर क्या होगा, फिर तुम अपने जो नए आने वाले उसको चांस दोगे। ये बाबा समझा रहे हैं कि इस मौके को, विशेष मौका है तुम्हारे लिए मिलने का। दूसरों की खुशी से अपनी खुशी अनुभव करना, यही महाधानी बनना है। अब देखे कि भारतवासी उनको आगे करके खुश होते हैं कि नहीं होते, कि देखो विदेशी बच्चे बाबा से मिल रहे हैं, उनकी वो खुश हो रहे हैं, उनको देखकर हम खुश हो रहे हैं। जैसे किसी बच्चे को खुश करके माता पिता खुश होते हैं ना, बच्चे की खुशी करा के माता पिता खुश होते हैं। कहीं दान भी देना होता है तो पैसा तो माता पिता का होता है, लेकिन बच्चे के हाथ में वो नोट या सिक्का पकड़ा कर उसको कहते हैं तू डाल, तो बच्चा डालता है तो माता पिता खुश होते हैं कि देखो बच्चे ने से मैंने पुण्य करवाया। इसलिए बाबा कहते हैं आप भी ऐसे करोगे कि जब आपके नए आएंगे उनकी खुशी में आपकी खुशी हो जाती है। दुनिया में भी जो माता पिता होते हैं जब वो उनका परिवार हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, तो उनको क्या खुशी होती है, अपनी जो है वो तो है ही, वो सोचते हैं मेरा बच्चा हर बात में खुश रहे। वो बच्चा पहली क्लास का भी परीक्षा पास करके आता है तो माता पिता समझते जैसे उसको PhD मिल गया हो, ऐसे खुशी होती है ना। तो बाबा ये समझा रहे हैं दूसरों की खुशी देकर खुद खुश होना, यही महाभाग्य की निशानी है। बाबा ने फिर पार्टियों से मुलाकात करी, सिंगापुर पार्टी। बाबा ने बोला सिंगापुर को बाप दादा बाप का श्रृंगार कहते हैं, और आप सब कौन सा श्रृंगार हो? मस्तक की मणि हो। मस्तक मणि अर्थात जिसके मस्तक में सदा बाप याद रहे। इन्हें सिंगापुर को बाबा श्रृंगार कैसे कहते हैं? बाबा ने कहा कि सिंगापुर को बाबा बाप का श्रृंगार कहते हैं, तो क्योंकि एक तो है सिंगापुर माने सिंगारपुर, दूसरा है कि सिंह कहते हैं शेर को, और शेर के ऊपर बाबा की बच्ची दुर्गा बैठती है, तो इसलिए दुर्गा को शेर के बगैर आप देखेंगे तो नहीं, दुर्गा नहीं दिखेगी। शेर पर सवारी करते जैसे सिंह आसन कहते हैं ना, तो सिंह आसन क्या होता है
कि जिस पर राजा बैठता है। तो जब राजा सिंहासन पर बैठा हो उस वक़्त उसकी और शान होती है, और राजा कहीं खड़ा हो या तो और शान होती है। तो आसन ही उसका श्रृंगार है, आसन के बगैर, सिंहासन के बगैर राजा नहीं। इसी प्रकार से दुर्गा जो है, बाबा कहते हैं शक्ति स्वरूप आप लोग आत्माएं हो, जब शेर के ऊपर बैठे हो तो सिंह आसन, वो भी सिंह आसन हो गया कि नहीं हो गया, शेर पर सवारी, तब बाबा कहता है कि उसको श्रृंगार कहते हैं। तो बाबा ने कहा, लेकिन आप बच्चे जो हो वो मस्तक मणि, ऐसी मस्तक मणि हो, इसी को ही ऊंची स्टेज कहा जाता है। सदा अपने को ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसे समझते हुए आगे बढ़ते रहो। यानी मस्तक सबसे ऊंची चीज क्या होती है? मस्तक कहते हैं इसका जो है सिर ऊंचा हो गया, और जो कोई व्यक्ति कुछ गलत काम करता है कहते हैं इसका सिर नीचा हो गया। तो सिर के अंदर मस्तक, मस्तक के अंदर आत्मा रहती है। तो बाबा कहते हैं कि आप अपने आप को सदा अपनी श्रेष्ठ ऊंची आत्मा की स्थिति में रखोगे, अपना आपका सिर ऊंचा रहेगा, सम्मान में रहोगे, तो ये स्वरूप आपका है। तो बाबा ने कहा, इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाले नीचे की अनेक प्रकार की बातों को ऐसे पार करेंगे जैसे कुछ है ही नहीं। समस्याएं नीचे रहेंगी, आप ऊपर हो जाएंगे। जैसे आसमान में कोई उड़ रहा हो, ऐसे ऐसे भी कथाएं आती है ना कि मैजिक कारपेट था, उसके ऊपर उड़ रहे थे और नीचे दुनिया के नज़ारे देख रहे थे। आजकल भी कोई मान लो प्लेन में चढ़ता है तो उसके नीचे से पहाड़ भी गुजर जाते हैं, समुंदर भी गुजर जाते हैं। अपनी स्थिति ऊंची रखने से तो आप नीचे की चीज़ों से ऊपर पार कर जाओगे। सदा अपना मस्तक मणि का टाइटल याद रखना, नीचे नहीं आना, सदा ऊपर। मस्तक मणि का स्थान ही ऊंचा मस्तक है, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हो। बाप दादा ने विशेष श्रृंगार को चुन लिया है। सिंगापुर से बाबा ने श्रृंगार पर ले आए, और श्रृंगार में भी बाबा ने ऊंची स्थिति बताई, ऊंचा आसन बताया और मस्तक मणि बताया। ये मस्तक मणि जिनके आत्मा रूप में रहे वो श्रृंगार है। अपने भाग्य को सदा स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो, उड़ती कला में उड़ते और उड़ाते चलो। संगम युग है ही उड़ने और उड़ाने का युग। इसमें खास बाबा जो कहता है उड़ाते चलो, खुशी बांटते चलो, तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमें मुख्य कार्य हमारा सिर्फ बनना नहीं है, ये दूसरों को भी बनाना है। बाबा हमें बनाते हैं, हम दूसरों को बनाते हैं। तो बाबा ने वास्तव में हमें तीन मणियाँ बताई हुई हैं कि आप आत्माएं, अगर मस्तक मणि रहो, संतुष्ट मणि रहो, क्योंकि संतुष्टता ये भी बहुत सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। अगर श्रेष्ठ जीवन में ऊँचे रहना है तो मस्तक मणि भी इम्पॉर्टेंट है, और संतुष्ट मणि ही मस्तक मणि बन सकती है। और फिर बाबा कहता है इसका आधार क्या है? हृदय मणि, कि मेरे दिल के तख्त पर नशीन रहो। दिल तख्त नशीन रहोगे तो फिर आप दुर्गा के आसन पर भी नशीन रहोगे और सतयुग के तख्त पर भी पधारोगे। बाबा ने कहा समय को वरदान प्राप्त है ना, फिर बाबा की अफ्रीका पार्टी से मुलाकात। ये समय को वरदान भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। दुनिया में अगर व्यक्ति समय का ध्यान रखता है कि वो समय पर जो चीज़ हो जाती है वो समय से पहले नहीं हो सकती, समय के बाद नहीं हो सकती। कहते हैं ना वक़्त से पहले हैं आगे भी कुछ होता है। समय से पहले भाग्य से ज़्यादा, हाँ वक़्त से पहले किसने पाया है? अब एक फल है, हर फल का सीज़न होता है। जब सीज़न आता है तो आप देखिए वो फल खूब बिना मेहनत के निकल आता है।
इसी प्रकार से समय को जानने वाला जानता है कि सुबह के समय क्या करना है, दोपहर को क्या करना है, रात को क्या करना है। तो इस समय सारे विश्व की घड़ी में संगम का समय है। अगर आप कलयुग में कोई चाहे कि मैं परम धाम में चला जो नहीं जा सकता, सतयुग में भी नहीं जा सकता, वहीं से उतरा है अभी, तो वो समय है, वरदान है। जबकि हम बाबा ने दो बातें बताई ना, इधर पुरुषार्थ स्वरूप, उधर प्रारब्ध स्वरूप, इधर ब्रह्मा, उधर श्री कृष्ण। तो ब्रह्मा को श्री कृष्ण बनने का मौका अभी है, द्वापर में नहीं हो सकता, सतयुग में नहीं हो, तो तब बाबा ने कहा समय को वरदान है, चढ़ती कला का समय है, इस वक्त उड़ने और उड़ाने का समय है। फिर बाबा की अफ्रीका पार्टी से मुलाकात, बाबा ने कहा सदा के स्नेही और सदा के सहयोगी आत्माएं, स्नेह और सहयोग के कारण अविनाशी रतन बन गए। अविनाशी बाप ने बाप समान अविनाशी रतन बना दिया। ऐसे अविनाशी रतन जो किसी भी प्रकार से कोई हिला न सके, ऐसे अविनाशी रतन अमर भव के वरदानी हो। रियल गोल्ड होना बाप के साथी, बाप का कार्य सो आपका कार्य, सदा साथ रहेंगे इसलिए अविनाशी रहेंगे। अब बाबा ने अविनाशी का वरदान तो दिया, ये कह दिया अविनाशी के साथ रहेंगे तो अविनाशी रहेंगे, आत्मा रूप में रहेंगे, शरीर तो नश्वर है। सच्ची लगन विघ्नों को समाप्त कर देती है, कितनी भी रुकावटें आए लेकिन एक बल, एक भरोसे के आधार पर सफलता मिलती रही है और मिलती रहेगी, ऐसा अनुभव होता रहता है ना। जहां सर्वशक्तिवान बाप साथ है वहां ये छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती हैं जैसे कुछ भी थी ही नहीं। कहा जाता है ना, जहाँ चाह होती वहाँ राह होती है। लगन वाले को सफलता से कोई नहीं रोक सकता। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती हैं। अपने को ऐसे सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो ना, कमजोरी तो नहीं आती। बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चों को बाप अपने से भी आगे रखते हैं। बाप ने कितना ऊंच बनाया है, क्या क्या दिया है, इसी का सिमरन करते करते सदा हर्षित और शक्तिशाली रहेंगे। कहा जाता ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो भगवान ने हमको क्या क्या दिया है, शक्तियां दी हैं, तो कमजोरी का सवाल ही नहीं है। तो ये थे बाप दादा के मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन, जिसमें बाबा ने विशेष हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनने का महत्व बताया। जितना जितना हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, अपने आदि से लेकर अंत तक के जन्मों का बुद्धि में सिमरण करते हैं, उतना उतना हम सतयुग में चक्रवर्ती राजा का राज्य पद प्राप्त करते हैं। ओम शांति।